यहाँ सामने देखिए मैम, सामने देखिए सेंट्रल लुक एक सिलेक्शन, यहाँ देखिए सामने डायरेक्टर साहब, आइए ना, जाइए ना, जाओ, हाँ जाइए, आइए 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 सर, सर 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 सामने देखो, सामने देखो सबको लाइन हम सब लोग यहाँ अपनी फिल्म की शुरुआत करने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि
तो हम यहाँ से अपनी आने वाली फिल्म आबी जाओ पिया का आरंभ कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को फिल्म आ रही है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज ये भी है कि हम लोग आज के इस कॉन्क्रीट जंगल में अपने असली जंगल को कहीं खोते जा रहे हैं, अपने पेड़ पौधों को खोते जा रहे हैं जिन्हें हमें बचाने की जरूरत है। तो जिस तरीके से एक भाई अपनी बहन से राखी बंधवा कर उसकी रक्षा के लिए एक प्रण लेता है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम नए पेड़ों को लगाएं और उसमें एक रिबन बांध के ये चीज को मुहैया कर दें कि अब हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, इसको हमेशा पानी डालकर अच्छे से खाद करके इनको अच्छा एक ग्रोथ देंगे जिससे कि हमारा वातावरण पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त हो जाए। तो यही हमारी इच्छा है इस फिल्म के जरिए। थैंक यू। हमने बहुत सही तरीके से गणेश पंडाल से आज का इसका आरंभ किया है। अभी हम ये रिबन बांध के हमारा सेव द पीस कैंपेन भी शुरू कर लेंगे एंड हम चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है हमारे फिल्म जरूर देखने आए 7 अक्टूबर पर। थैंक यू। अंधेरीचा राजा मैंने माना है, सुना है, इतने सालों से 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ कि अंधेरीचा राजा में आकर जब यहाँ गणपति जी से कोई भी मुराद मांगी जाती है तो जरूर पूरी होती है। कोई भी मुराद ना बहुत अच्छी जगह से शुरुआत हुई और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और भक्तजनों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, बोलो। ये एक कम्प्लीट फैमिली फिल्म है जिसमें लव स्टोरी भी है, जिसमें तकरार भी है, प्यार भी है, हंसी मजाक भी है और हर तरीके के फ्लेवर को देखने को मिलेगा आपको। एक जब हाथ मत रख और हाथ ऊपर का पप्पा, तो पप्पा ने हमें इस जीवन को प्रदान किया है तो पप्पा अपने जितने भी बच्चे हैं उनकी कोई भी इच्छा को ज़ाया नहीं करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं पप्पा। तो उन्होंने हमें बनाया है तो हमारे हर इच्छा को पूरा भी ज़रूर करेंगे, वो यही उम्मीद है। सामने देखिए, इधर इधर सेंटर, पब्लिक को बताना है। बहुत अच्छी शुरुआत हो गई क्या ज्यादा नहीं है। एक बार हो जाए गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, ओके सर, थैंक यू मोरिया, बहुत अच्छा है। आपका फिल्म ये प्रमोशन के लिए आए हैं, पोस्टर लॉन्च किए, क्या कहेंगे सर? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपना कैंपेन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो हम लोग फिल्म बना रहे थे जब शूटिंग शुरू हो गई उसी समय हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ से अपना कैंपेन शुरू करें और जो हमारा मान लिया, हमारी इच्छा जो थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने जो हीरोइन है आपने लॉन्च किया है उनका ये है, जो नए कलाकार लेके आपने फिल्म बनाया, क्या तजुर्बा रहा शूटिंग में आपका? देखिए शुरुआत में तो डर बहुत था, धीरे 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 जब हम परफॉर्म करते गए और कॉन्फिडेंस बन गया और आज की डेट में अगर आप पूछें तो बहुत ही फैंटास्टिक तजुर्बा। स्मृति दोनों हमारे जिनकी सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है मेरी भी पहली फिल्म है, स्मृति की भी पहली फिल्म है, तो
फिल्म ने तो बहुत कुछ किया है और इस वजह से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अच्छी टीम मिली है, अच्छे प्रोड्यूसर मिले हैं, बहुत हमारे तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और सर इनका नोक झोंक कुछ शूटिंग का वक्त आपको लगा? नोक झोंक क्या, हम लोग तो क्रिकेट खेलने में पूरी शूटिंग कर गए। एग्जैक्टली, हम लोग तो क्रिकेट खेलने में शूटिंग कर गए और पता नहीं चला कि हम लोग 42 डेज में शूटिंग कंप्लीट कर लिया। लगा कि अभी कल शुरू किया आज खत्म हो गई। ये किस तरह की फीलिंग हुई और जिस तरह से इन लोगों ने, प्रोड्यूसर ने हमारे विनय जी ने जिस तरह से विजय जी के बाद मदद की, जिस तरह से सपोर्ट किया, बहुत ही। विजय जी क्या कहेंगे यार, पैसा लगा दिया? देखिए, सबसे पहले तो पूरी टीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसी भाग्यशाली टीम भाग्यशाली लोगों के लिए ही होगी। भले नए हैं परंतु एनर्जेटिक है और कुछ कर गुजरने की क्षमता सभी में है। हमारे डायरेक्टर साहब, हीरोइन, वास्तव में जब हम कास्ट कर रहे थे दोनों को, डर तो मन में था लेकिन विश्वास इतना था कि बहुत अच्छा होगा। और पापा के आशीर्वाद से आज देखिए, जब आप थिएटर में 7 अक्टूबर को देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे कि इनकी पहली मूवी है। ऐसा लगेगा कि मंजे हुए खिलाड़ी है। हमारे देव जी तो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं वास्तव में, लेकिन ये दोनों को आप देखेंगे तो वास्तव में भी लगेगा कि नहीं, डायरेक्शन टॉप क्लास का हुआ है, एक्टिंग बढ़िया हुआ है। और यह उम्मीद करेंगे हम सर, सभी प्रोड्यूसर एक हॉल बुक करते हैं अपना पोस्टर लॉन्च करने के लिए, बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं, लेकिन आपने पहले से सोच के रखा था कि आंधेरी पापा के साथ में जाके हम लॉन्च करेंगे? ये तो मैंने नहीं सोचा था, बट पापा ने मुझे बुला लिया। इससे बड़ा सौभाग्य और प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पापा ने मुझे बुला लिया और उनके लिए तो पूरा दुनिया ही हॉल है। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं बताया ना कि मैं अपनी टीम के साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी टीम मिली। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑप्टिमिस्ट और एनर्जेटिक मिली और हम इसको बहुत आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं। पप्पा के आशीर्वाद से, आप लोग के स्नेह और प्यार से हमारा 7 अक्टूबर को बहुत अच्छा जाए, ये हम पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग के बीच में। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपको पता होगा या जो मूवी है पूरी तरह से हम लोगों ने झारखंड में शूट किया। झारखंड मतलब जंगल के रूप में ही जाना जाता है और झारखंड में वास्तव में अभी वन बचाने का एक हम लोगों द्वारा पेड़ वहां कट रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर ने और प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूसर्स टीम ने ये सोचा कि क्यों ना इसको इस तरह से कर दिया जाए। हमारे आर्टिस्ट का इतना सहयोग रहा कि हमारे यहाँ भी प्रचलन भी है झारखंड में, वहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है। तो उस महोत्सव में क्या होता है कि हम राखी बांधते हैं पौधों को, पेड़ों को, कि उससे क्या है कि उस पेड़ को कम से कम कोई छुए नहीं, देखे नहीं, तो काटे नहीं। तो इस तरह से क्या है कि ऑटोमेटिक एक इतना आस्था और विश्वास हो जाता है कि नहीं, यह पेड़ यदि हम काटेंगे तो जो पेड़ काटने वाले भी लोग हैं वह भी डरते हैं कि यह पेड़ को हमको छूना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वहाँ के प्रचलन को हम पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं कि इस तरह से सेव द ट्री हो और हमारी मूवी के माध्यम से हो। इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए और क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।